मीठा बोलण नीब चलण जरूरी पॉइंट यहाँ पर बहुत जरूरी है, हाथों देके पला मनाए। जब भी कोई महापुरुष कोई नाम जपने वाला आपके घर में आता है तो बाहर से मत सामान मंगाओ खिलाने के लिए, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मौका मिला है अपने हाथों से पूरा परिवार सेवा करे, ये जुगती दास बता रहे हैं। संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले किसी के घर में गए, बहुत अमीर घर, बुलाया उन्हें फॉरेन कंट्री, तो सारे नौकर चाकर सेवा कर रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जो सेठ है जिन्होंने बुलाया है वो सामने बैठे हैं सोफे पर, नौकर चाकर आगे पीछे भाग रहे हैं, हाथ धुला रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं। तो खिलाने के बाद कहते हैं ना अरदास करो, तो महापुरुषों ने अरदास की कि दाना पानी वाहेगुरु तेरा और सेवा सारी नौकरों की, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन नौकरों की कमाई में बरकत डाल, इन नौकरों को नाम के दांत बख्श, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सेठ कहने लगा सेवा तो मैंने की है, मैंने बुलाया आपको, अरदास आपने नौकरों की कर दी। कहने लगी सेवा उन्होंने की है, तूने क्या किया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू तो सामने बैठा हुआ है बस, जिन्होंने सेवा की है सेवा का फल भी उन्हें मिलेगा जिन्होंने हाथों से की है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोशिश किया करो नाम जपने वाले जब घर में आए अपने हाथों से सेवा करो। कृष्ण जी ने जब पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया था ना, तो कृष्ण जी ने ज्ञान दिया था युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर ये अश्व तुझे अश्वमेघ यज्ञ का फल नहीं दिलाएगा, फल का यज्ञ का फल तुझे दिलाएगी सेवा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे संसार के ऋषि मुनि अब आएंगे अपने हाथों से, सारे भाई मिलकर चरण धोना, अपने हाथों से चरण धोना एक एक के, अपने हाथों से भोजन तैयार करना, अपने हाथों से परोसना, जूठे पत्तल अपने हाथों से उठाना, नौकरों को आगे मत कर देना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तू ये करेगा तो तेरा अश्वमेघ यज्ञ सफल होगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथों देके केवल धन की बात नहीं है, इन हाथों से किसी की सेवा, किसी का परोपकार, किसी का भला, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, गुरु नानक मेहर करे हमें ये ज्ञान हमारे हृदय में बस जाए और इन हाथों को सफल कर सके, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। के लंगर की ताकत क्या है, सेवा की ताकत क्या है, जो कोई हाथों देके भला मनाए। कहने लगे एक बहुत ही गरीब आदमी, ये घटना गुरु हरिराय साहब जी सुना रहे हैं संगत में, एक बहुत ही गरीब आदमी रहता है, उसकी घरवाली में रहती है, झोंपड़ी में रहते, टूटी फूटी झोंपड़ी है, बहुत थोड़ा सा टुकड़ा है जमीन का उसके पास, उस पर वो फसल उगाता है और जितना भी अन्न निकलता है एक समय खाते हैं दिन में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा सा खा पाते हैं, यही उनका गुजारा है, कुछ नहीं है उनके पास। पर उस झोंपड़ी में एक चिड़िया का जोड़ा रहता है, चिड़ा और चिड़ी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हस्बैंड वाइफ रहती है चिड़िया और उसका पति, घोंसला बना के उस झोंपड़ी में आपस में बात करते हैं कि हम ये हैं बहुत गरीब जिनके पास हम रहते हैं, ये गुरु घटना गुरु हरिराय साहब जी सुना रहे, चिड़िया और चिड़िया आपस में बात कर रहे हैं कि हम इनके घर में रहते हैं, इनका ही अनाज खाते हैं, इतनी गरीबी में ये रहते हैं, इन्हें तो ज्ञान नहीं कि अपना भला कैसे करना है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिड़िया कहती है कि इन्हें ज्ञान नहीं कि अपना भला कैसे करना है, क्यों ना हम इनका भला कर दें। तो वो कहते हैं कैसे करें इनका भला, कहने कि दो दाने आप उठाया करो, दो दाने मैं उठाया करूँ इसके, जो इसने जमा करके रखे हैं जाके लंगर में डालाया करेंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये घटना गुरु हरिराय साहब जी सुना रहे हैं संगत में, दास बार बार रिपीट कर रहे हैं, किसी आदमी की कहानी नहीं है ये, साथ में गुरु नानक कह रहे हैं, एक एक वचन तीन काल सते हैं।
उन्होंने यही किया, चिड़िया चार दाने, दो दाने ये उठाए, दो दाने रोज लंगर में डालाया करें। गुरु नानक साहब जी कह लगे इनके दिन पलटने शुरू हो गए। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक, पहले फसल बहुत बढ़िया हो गई, और फसल बढ़िया होगी तो फसल बेच भी दी, थोड़े धन आ गया तो कारोबार शुरू किया, जो भी कारोबार शुरू कर रहे हैं बरकती हो रही है। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक, ये अमीर होते जा रहे हैं, धनवान होते जा रहे हैं चार दानों से। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक, अब धनी यादा आ गया, झोंपड़ी तुड़वा दी। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक, कोठी बना ली अपने लिए, हवेली बना ली, अब जब झोंपड़ी तुड़वा दी तो चिड़िया का जोड़ा वो जड़ गया। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक, वो बाहर जाके पेड़ पर बैठे हैं बोल रहे हैं आपस में हमने अच्छा भला किया इसका। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक, हमारा ही बुरा हो गया, अच्छा भला हमारा घोंसला था वहाँ रहते थे, अब पेड़ पर रहना पड़ रहा है। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक, अब वो पेड़ पर रह रहे हैं और ये धनवान बन गया है। अब धन आ गया है तो क्या होता है, ज़्यादातर जब धनवान बनता है इंसान गलत रास्ते में चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इसने शराब भी पीनी शुरू कर दी, जुआ भी खेलना शुरू कर दिया, कुसंगत में पड़ गया। अब चिड़िया अपने पति से कहती है कि हमने इसका भला किया था, ये तो बुरे रास्ते पर चल पड़ा है, ये तो गलत हो गया, हमने तो इसका भला करने के लिए चार दाने उठा के लंगर में डाले थे, इसके दिन पलट गया, अब ये उस धन का गलत उपयोग कर रहे हैं। तो उसका घर वाला कहते हैं काम करते हैं, इसे हक नहीं है बरकत का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तो कह लगे अब क्या करें इसके लिए, कह लगे चार दाने लंगर से उठा के लाएंगे, इसके घर में डालेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।